पन्नगे चयन्द्रे चय कौशिके पाद संस्पृश निर्विशेष मनस्काय श्री स्वामी ने नमें भगवती सूत्र में कहा गया है से काय, किले से काय काय अनेक कियकिले कायकलेे अनेपन्नते तंजहाक्कुडुयासनि बीरा वीरासणिए ने सज्ज अकंदुय ए, ए आया अवा अकंदुये ए शब गाय परिकम विभूष विप मुक्के सेम काय किले से तप के दो प्रकार भगवती सूत्र में यहां इस प्रकरण में बताए गए हैं बाह्य तप और आभ्यंतर तप बाह्य तप के फिर छह प्रकार बताए गए हैं और उनमें पांचवा प्रकार कायक क्लेश है काय क्लेश शब्द यहां क्लेश है क्लिशूज विबाधने क्लिशूज धातु विबाधने एक शरीर को विबाधित करना शरीर की साधना करना शरीर की प्रतिकूलता को भी मानो झेल लेना कार्योत्सर्गासन कलम कायक क्लेश है कायोत्सर्ग आदि आसन करना आसन को साधना भी एक विशेष बात है एक आसन में आदमी कुछ देर कुछ लंबे काल तक बैठा रह सके ध्यान का प्रयोग करना है तो भी एक आसन का चुनाव करो जिस आसन में थोड़े लंबे देर तक बैठ सको तो एक आसन में बैठे रहना भी कुछ लंबे काल तक बैठे रहना एक साधना हो जाती है स्थिर मासनम एक आसन जिसमें आदमी ध्यान में रहता है पदमासन सुखासन वज्रासन अर्ध पद्मासन और अनेक नाम यहां भगवती सूत्र में दिए गए हैं उत्कटुकासन आदि आदि वीरासन तो काय क्लेश के अनेक रूप अनेक अंग बन जाते हैं शरीर में खुजली आ रही है फिर खुजली नहीं करना भी एक त, तप है साधना है अकंडुय खुजली नहीं करना अकंडुय तो यह है आसन की साधना कायोत्सर्ग की साधना यह काय क्लेश के अंतर्गत अनेक चीजें हो सकती है परम पूजनीय आचार्य तुलसी के जीवन में काय क्लेश का दर्शन भी होता है मैंने गुरुदेव तुलसी को उनकी एकदम जवानी में तो नहीं देखा था थोड़े वो प्रौढ़ता में आ गए यानी पचास पार हो चुके थे उसके बाद ही संभवतः मैंने समझ पकड़ने के बाद उनको देखा था और वो सरदार शहर भी पधारे थे मुझे याद है और थोड़ा शेष काल में यूँ सरदार शहर में थोड़ा लंबा प्रवास भी गुरुदेव का हुआ था तब गुरुदेव के दर्शन करने का वैसे मौका मिला था थोड़ा सा कभी गुरुदेव ने थोड़ी सी बात भी मैं बच्चा था तो मामूली बात भी संभवतः की थी तो मैंने उनके जीवन की आधी शताब्दी बीतने के बाद गुरुदेव के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य संभवतः मिला था और बाद में दीक्षित हो जाने के बाद तो ज़्यादा सौभाग्य मिला उनके निकट रहने का भी अवसर मिला और गुरुदेव आसन भी करते थे एक्सरसाइज आसन करते थे और अपने आसन में एकदम कपड़ों को आसन की मुद्रा में करके और वो एक्सरसाइज खड़े खड़े बैठे बैठे लेटे लेटर आसन प्रयोग एक्सरसाइज किया करते थे कायोत्सर्ग भी यों करते थे और कई गलत व्यायाम गले का व्यायाम करना है ऐसे वो मुझे याद आ रहे खड़े खड़े यों गलत व्यायाम किया करते थे और विराज के पेट का करते एकदम पेट को हाथ से करना यो पेट का वो एक्सरसाइज करते लेट करके वो भी आसन किया प्रयोग करते तो उनको मैंने आसन यानि ये कायक क्लेश का एक प्रकरण है तो मैंने गुरुदेव तुलसी को खड़े खड़े बैठे बैठे लेटे लेटे आसन कायोत्सर्ग यो करते हुए संभवत है। देखा था तो यह तो उनकी वो साधना थी आसन कायोत्सर्ग और यो वे शरीर से परिश्रम भी करते थे पाद विहार करते हमने उनको देखा है विहार करते पाद विहार करते थोड़ा गति थोड़ी धीमी हो गई थी बाद में थोड़ी सी धीमी गति बिहार करते लोग साथ में रहते और कभी कभी रास्ते में बीच में ही गांव के लोग इकट्ठा हो जाते कोई पिंपल का गट्टा वहाँ बिराज के कई व्याख्यान देते लोगों को उपदेश देते तो बिहार के बीच में भी कभी कभी थोड़ा संभवत है वे यो व्याख्यान दे देते और पाद बिहार चलता उनके साथ हम लोग संत लोग संत लोग भी साथ रहते थे और प्रवचन करते गांवों में और में मतलब प्रवचन कोई कभी शायद रात को भी व्याख्यान देते तो रात को व्याख्यान लोगों की भीड़ हो गई तो रात को भी थोड़ा व्याख्यान फरमा देते अन्यथा संत लोग थोड़ा व्याख्यान संभाल लेते तो यात्रा उन्होंने की इतनी यात्रा वो काय क्लेश में आए जो भी ओवर, हो जो भी विधि हो यात्रा उन्होंने जो की कहाँ कोलकाता हमारे संघ के वे प्रथम आचार्य थे जो बाद बिहार चल के कोलकाता पधार गए तेरा पंथ के प्रथम आचार्य वे थे और कोलकाता से एक साथ केलवा राजस्थान राजनगर उधर पधार गए विक्रम संबद दो हजार सोलह का चतुर्मास कोलकाता कोलकाता में कलकत्ता उस समय का कल, कलकत्ता में सत्रह का चतुर्माश राजनगर में कितना रास्ता एक शेष काल में उन्होंने पार किया था और कहाँ राजस्थान और कहाँ दक्षिण भारत दक्षिण भारत में वे घूमे उधर की यात्रा की और पुनः राजस्थान पधार गए और भी कितनी जगह पधारे कितने प्रांतों में पधारे भारत के कितने क्षेत्रों को मानो उनसे उनके चलनों से स्पृष्ट होने का मौका मिला था बस भारत में उनका खूब भ्रमण हुआ था यह भ्रमण काय क्लेश कह दें काय परिश्रम कह दें ये शरीर की अनुकूलता होती है तो संभवतः यो यात्राएं हो सकती है इस माने में हालांकि यो तो शरीर में कुछ कठिनाइयां हुई थी संभवतः पर फिर भी उनको शारीरिक अनुकूलता भी मिली तब वे इतनी यात्राएं इस रूप में कर सके थे आचार्य श्री तुलसी का तत्व ज्ञान भी था चारित्र मोहनीय कर्म है वह सिद्धों में चारित्र मोहनीय का क्षयोपम जो है वो सिद्धों में नहीं होता चारित्र मोहनीय का क्षयोपम चौदहवें गुणस्थान में नहीं होता चारित्र मोहनीय का क्षयोपम तेरहवें गुणस्थान में नहीं होता बारहवें गुणस्थान में नहीं होता ग्यारहवें गुणस्थान में नहीं होता पहले से दसवें गुणस्थान तक चारित्र मोहनीय का क्रियोपम जो जीव पहले से दसवें गुणस्थान में है उन हर जीवों में उन हर जीव में चारित्र मोहनीय का क्रियोपम होता है परंतु आगे के जो चार गुणस्थान हैं और सिद्ध भगवान हैं उनमें चारित्र मोहनीय का क्षयोपम नहीं हो सकता तो हर जीव में चारित्र मोहनीय का क्षयोपम होता है तो इस, इस सीमा में ही मान लें पहले से दसवें गुणस्थान तक के हर जीव में चारित्र मोहनीय का क्षयोपम है यह बात सिद्धांतानुकूल प्रतीत हो रही है आगे के चार गुणस्थानों में और सिद्धों में चारित्र मोहनीय का क्षयोपम नहीं होता सिद्धों में एक सायिक भाव है बाकी चौदहवें तेरहवें बारहवें गुणस्थान में चारित्र मोहनिय का सायिक भाव है और ग्यारहवें गुणस्थान में चारित्र मोहनिय का औपसमिक भाव होता है क्रियोपम भाव नहीं होता पर जो साधु दसवें गुणस्थान तक हैं उन सब में और हर श्रावक में और हर मिथ्यात्री आदि एक से दस गुणस्थान तक के क्षेत्र में रहने वाले हर जीव में चारित्र मोहनिय का क्षयोपम न्यूनाधिक मात्रा में होता ही होता है आचार्य श्री तुलसी का भी मानो कोई चारित्र मोहनिय का क्षयोपम हुआ और वे कालू गणि के पास मुनि दीक्षा को प्राप्त हो गए जन्म भी लाडनों में हुआ और उनकी मुनि दीक्षा भी लाडनों में हुई खटेर वंश खटेर परिवार खटेर परिवार में वे जन्मे थे खटेर परिवार से हमारे धर्म संघ को एक बालक नव दीक्षित होने वाला बालक कालुगणी को प्राप्त हुआ था तो इस माने में खटेर परिवार का भी औपचारिक स्थूल भाषा में माने तो तेरा पंथ को अवदान है कि खटेर परिवार ने एक ऐसा बालक तेरा पंथ को समर्पित किया तो तेरा पंथ का नाथ बन गया था आचार्य श्री तुलसी दीक्षित भी हुए और आदमी बच्चा बालक मेधावी होता है बुद्धिमान होता है यह हर बच्चा एक समान बुद्धिमान ने भी हो आचार्य तुलसी बालक थे तो भी प्रतीत होता है एक अच्छे बुद्धिमान बालक थे बुद्धिमान बालक का मिलना भी अच्छी बात होती है तो उन्होंने हमारे धर्मसंघ में दीक्षा स्वीकार की परम पूज्य कालुगणि के पास दीक्षित हुए और वे स्वयं भी शिक्षित हुए और कितनों को उन्होंने शिक्षित कर दिया था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे व्यक्तित्व को आचार्य श्री तुलसी के परिपार्श्व में सान्निध्य में उनके साये में फलने फूलने कार तैयार होने का मौका मिला था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भाषण प्रवचन कितना बढ़िया अच्छा होता था आचार्य श्री का साहित्य भी है और उनका भाषण प्रवचन भी होता था उनके भाषण को हम याद करें प्रायः प्रायः वो बहुत उतार चढ़ाव बहुत तेजी में बोलना है ऐसा वो उनके भाषण में संभवतः प्राय प्राय नहीं होता था एक एक अपनी धारा सी प्रवाहित होती रहती थी तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे व्यक्तित्व उनके साये में उनके परिपार्श्व में तैयार हुए थे और भी कितने व्यक्तित्व अनेक व्यक्तित्व गुरुदेव तुलसी के परिपार्श्व में साये में फले फूले वे आचार्य बने तेरा पंथ का तो कीर्तिमान है लगभग 22 वर्ष की अवस्था में आचार्य बनने वाले वे आज तक के हमारे धर्म संघ के इतिहास में अद्वितीय आचार्य हैं आचार्य पद का फिर विसर्जन भी कर दिया तो आचार्य पद का विसर्जन करने वाले भी हमारे धर्म संघ के इतिहास में वे आज तक अद्वितीय प्रथम आचार्य हैं और किसी ने भी आचार्य पद का विसर्जन नहीं किया और जरूरी भी नहीं है विसर्जन करना आवश्यक भी नहीं है द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना होता है कि हर कोई देखा देखी कर दे कुछ भी कर दे विसर्जन विसर्जन करो तो सब जगह विसर्जन काम का नहीं है कहीं रहना भी बड़ा काम का होता है श्रीमद जयाचार्य हुए उन्होंने आचार्य पद का विसर्जन नहीं किया परंतु कुछ निवृत्ति संभवतः ले ली साया उन्हीं का आचार्य पद पर वे ही हैं पर काम मगजी को महाराज को ले लेते सम्भवत तो आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का विसर्जन भी किया था और विसर्जन किया तो कभी कभी तो वो नीचे ही विराजे रहते ऐसे भी वो आसन प्राणायाम करते तो ऐसे नीचे ही विराजे रहते और एक घटना प्रसंग तो मुझे क्योंकि मैं साक्षी हूँ आचार्य श्री तुलसी जयपुर पधारे यानी सुजानगढ़ में उन्होंने वो आचार्य पद के विसर्जन की घोषणा कर दी मर्यादा महोत्सव में फिर वो दिल्ली पधारना था सन उन्नीस सौ का चतुर्मास करने के लिए तो बाया जयपुर दिल्ली का पधारने का रूट था तो जयपुर पधारे जयपुर में एक सार्वजनिक प्रोग्राम हुआ मुझे स्मरण है प्रोग्राम भी किसी हॉल में नहीं हुआ यूँ कोई गली सी थी कोई मैदान सा गली सी थी वहाँ वो प्रोग्राम हुआ मंच था गुरुदेव विराजे और नव घोषित आचार्य महाप्रज्ञ जी भी पास में यो ऊपर उच्च पर संभवतः विराजे हुए थे ऊंचे विराजे हुए थे तो गुरुदेव तुलसी का भाषण हुआ तो गुरुदेव तुलसी के भाषण में कई ऐसे उन्मेष से आए भाषण में और भाषण में आए उनमें से आए तो भाषण में मैं भूल न करूं तो लगभग बात यही होगी भाषण देते देते फरमाया मैं ऊंचा बैठा हूं मैं क्यों ऊंचा बैठूं मैं आपके साथ बैठ सकता हूं कई नेता थे मंच पर कई अच्छे अच्छे नेता बैठे हुए थे वो चौधरी कुंबाराम कुंबा चौधरी तो भैरू सिंह जी और वो ओम पूर्ण स्वतः ऐसे कई नेता बड़े लोग बैठे थे मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ पट्टे नीचे बैठने लगे तो नीचे व्यवस्था कर दी गद्दी की ओर की तो गुरुदेव तुलसी नीचे हुए तो महाप्रज्ञ जी प्रवर भी उठे वो भी नीचे बैठने के संदर्भ में तो आचार्य तुलसी ने क्या कहा आचार्य जी आप तो ऊपरी बैठिए आप तो ऊपरी बैठिए यानी कि मैं नीचे बैठूं, आप ऊपर आप आचार्य मैंने तो यानी आचार्य पर छोड़ दिया तो मैं नीचे बैठता हूं आप तो के आचार्य हैं, आचार्य घोषित कर दिया मैंने आप तो ऊपरी बैठिए तो कितनी मौके की बात थी मैं नीचे बैठूं आप ऊपरी बैठिए तो वो तो खैर महाप्रज्ञ जी थे तो वो खुद भी फिर नीचे ही विराज गए तो वे आचार्य पद को छोड़ दिया तो पट से एक बात तो प्रोग्राम में नीचे भी विराज गए थे और फिर आचार्य महातृज्ञ जी भी नीचे विराज गए थे तो उन्होंने भी गुरुदेव तुलसी ने भी फिर मानो कुछ निवृत्ति पद भी छोड़ दिया तो कुछ निवृत्ति भी ले ली और अपने थोड़ा एकांतवास और कुछ अपना अमुक दिनांक में एकांतवास इस रूप में करने लग गए और मर्यादा महोत्सव का मौका चार वास का आया तो गुरुदेव तुलसी ने कहा अब सन उन्नीस सौ सितानवे का मर्यादा महोत्सव चार वास घोषित था का आचार्य तो महाप्रज्ञ जी थे का महोत्सव महाप्रज्ञ जी जाओ वो करो मैं नहीं जाऊंगा तो खुद जैन विश्व भारती में विराजे और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी चारवास में मर्यादा महोत्सव के लिए पधारे यानी गुलदेव तुलसी निवृत्त थे एक तरह से तो महाप्रज्ञ जी प्रवर चार में मर्यादा महोत्सव आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का परित्याग भी कर दिया कभी लगता तो यो है कि पद को छोड़ना मुश्किल होता है पद मिला हुआ है उसको छोड़ना कभी कभी थोड़ा जी दोरा होता है रे पद को कैसे छोड़े पद को कैसे छोड़े तो वो तो जीवन भर का पद मिला हुआ था उनको उनको ऐसे तो जिंदगी भर का आचार्य पद एक तरह से प्राप्त था उन्होंने जिंदगी भर नहीं रखा पहले ही छोड़ दिया तो इस संदर्भ में एक विसर्जन का उदाहरण हमारे संग में देखना हो तो आचार्य तुलसी थे जिन्होंने पद का विसर्जन कर दिया हालांकि मैं पद को छोड़ना कोई जरूरी नहीं है द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखना चाहिए छोड़ना ठीक है पद पर रहना ठीक है तो आचार्य तुलसी पद परित्यागी भी बन गए थे आचार्य श्री तुलसी ने अनेक नए नए आयाम दिए अनेक बातें पूर्व वक्ताओं ने वक्तव्य देने वालों ने प्रस्तुत की समन श्रेणी क्यार अनुवृत आंदोलनकार प्रेक्षा जीवन विज्ञान कितनी कितनी चीजें उनके आचार्य काल में प्रारंभ हुई कितनी संस्थाएं उनके आचार्य काल में उद्भूत प्रादुर्भूत हुई थी तो समण श्रेणी का भी आज जन्म दिवस है